इजमाई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है, और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इजमाई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम प्रशांत पित्ती है और मैं इजमाई ट्रिप का को-फाउंडर हूँ। इजमाई ट्रिप भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, जिसने पिछले साल 8,000 करोड़ का टर्नओवर किया था। हमारी कंपनी पूरी होम ग्रोन मेड इन इंडिया कंपनी है, और हमने रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से, उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इजमाई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे पास में मालदीव से भी बेहतर बेहतर लोकेशंस है, लक्षद्वीप के जैसी उन्होंने हमें वीडियोज दिखाई, उनके पिक्चर्स दिखाए। हम खुद लक्षद्वीप जा चुके हैं पास्ट में, और हम दोबारा लक्षद्वीप जाने वाले हैं, और हम बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की, दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से। और हमने इस बार ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में, प्लस हम अयोध्या का भी काफी प्रचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या लक्षद्वीप जैसी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाए हमारी कंट्री के अंदर, जहां पे बाहर से लोग आए और हमारे देश में टूरिज्म का बढ़ावा हो। इसके तहत हमने डिसीजन लिया है, और हम चाहेंगे कि बाकी की एयरलाइंस, ट्रैवल पोर्टल्स भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। हमें बिजनेस से पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, और इसके लिए हमने ये छोटी सी मुहिम की है। धन्यवाद।